एक बस दो तीन दिन रहेगा, फिर अभी पुष्टि कर देंगे। ठीक है तरीके आज टाइम हो गया था, आठ के आठवां है, आठवां करा देते हैं। देखो टाइप एट इस वो ना समझने वाला टाइप, गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 2000 रिटर्न बाय आशीष। रिटर्न बाय आशीष एंटर्ड इन द सेल्स डेबिट and posted therefrom to the credit of his account, to the, अब इसको समझो कहता क्या है, to the credit of his account आपका सामान वापस मिला है कितना 2000 रुपए का। जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न क्या होती है डेबिट, एंड आशीष को क्या होना चाहिए क्रेडिट, ठीक है ना। कहते हैं गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 2000 रिटर्न बाय आशीष एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। कितना बड़ा ब्लंडर है, आपने सेल्स रिटर्न को सेल्स मान लिया, यानी सेल्स गलती से क्या कर दिए होंगे क्रेडिट कर दिए, उसको क्या करो डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब सेल्स रिटर्न में तो डेबिट होना ही होना है, उसे भी क्या करो डेबिट। अब ध्यान से देखो एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, आशीष के क्रेडिट में तो चला ही गया, आशीष के क्रेडिट में तो चला ही, आशीष के अकाउंट में तो गलती है ही नहीं, तो यानी जो सारे का सारा जो इफेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा सस्पेंस। जब भी आपको रेक्टिफिकेशन अवेयर का क्वेश्चन आएगा ना, मान लो 5 ट्रांजेक्शन आई है तो 4 ट्रांजेक्शन तो आपको एकदम क्लिक कर जाएंगे जाते ही, हाँ एक में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, ये आप प्रोबेबिलिटी लेके चलो। तो समझ में है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए डेबिट कर दी, सेल्स बुक में चला गया यानी सेल्स गलती से क्रेडिट होगी उसको भी डेबिट करा, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल एंट्री में देखो तो एंट्री बनती सेल्स रिटर्न टू आशीष, आशीष को क्रेडिट होना चाहिए, आशीष क्रेडिट हो चुका है, आशीष के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो सेल्स गलती से क्रेडिट को भी डेबिट किया, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट किया टू सस्पेंस करो। Posted therefrom, posted therefrom, posting का मतलब ledger posting, ठीक है ना, गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 2100 रिटर्न बाय दीप्ति एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हर, क्रेडिट ऑफ हर, वही
2100 का सामान दीप्ति ने वापस करा है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होनी चाहिए। गलती से सेल्स डे बुक में चली गई, सेल्स डे बुक में चली गई यानी कि आपने उसे सेल्स मान लिया। ध्यान से देखो, अगर आप सेल्स डे बुक में लिख रहे हो तो क्या मानोगे, सेल्स मानोगे ना, तो सेल्स गलती से क्रेडिट होगी, उसको भी क्या करा, डेबिट। सेल्स रिटर्न ने तो डेबिट होना ही होना है, सेल्स रिटर्न ने तो डेबिट होना ही होना है। अब सारा चक्कर यह है कि अब दीप्ति का गया, दीप्ति के अकाउंट में उसने क्रेडिट होना था क्योंकि एंट्री बनती सेल्स रिटर्न टू दीप्ति, ठीक है, वो तो सही क्रेडिट होगी तो कोई गलती नहीं है। तो सारे का सारा कहां चला जाएगा, सिस्टम। इस चैप्टर में बच्चों बहुत घबराते हैं, अगर आप सिस्टम से चलो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 90% एंट्री आप सॉल्व कर लोगे। अब कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना के दे दे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं तो इसमें तो हो ही जाए। गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 1000 रिटर्न टू शर्मा एंटर्ड इन द इनवॉइस बुक, ठीक है ना, एंटर्ड इन द इनवॉइस बुक यानी परचेज बुक में डाल दी हमने, एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर ऑफ डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। अब आराम से समझो, ये परचेज रिटर्न वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा है, परचेज रिटर्न, ठीक है, ध्यान से देखो, हमने शर्मा को सामान वापस किया तो एंट्री बनती शर्मा डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, शर्मा जी ने डेबिट होना है, शर्मा जी डेबिट हो गए यानी शर्मा जी के अकाउंट में कोई गलती नहीं। अब आ जाओ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ने तो क्रेडिट होना ही होना है, अब गलती से इनवाइस बुक में चलेगी यानी परचेज बुक में चलेगी, परचेज गलती से डेबिट होगी यानी दोनों क्रेडिट होगी, तो टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब जब दो चीजें क्रेडिट हो रही है, कोई डेबिट भी होना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग रूल से डेबिट होना भी जरूरी है। अब डेबिट में मैं बता नहीं पाऊंगा क्रेडिट, तो उसके लिए फिर मजबूरी में क्या यूज करते हैं, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, अपने क्लास में बच्चों से पूछना, फ्रेंड से पूछना, इस चैप्टर का नाम लोगे ना थोड़ा सा ना बच्चे मायूस हो जाते हैं, मायूस होने का चक्कर है कि कितनी इसमें वैरायटी है सीखने के लिए, जब तक वो ना सीखेंगे तो कैसे होगा। गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 400 रिटर्न टू कविता, ठीक है जी, आपने कविता को सामान वापस किया तो कविता रिसीव करेगी, एंट्री होनी चाहिए कविता डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, वो गलती से चली गई परचेज, परचेज डेबिट होगी, होगी जो परचेज फालतू की डेबिट हुई उसे क्या करो, क्रेडिट, ठीक है, परचेज रिटर्न ने तो क्रेडिट होना ही होना है, कविता के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो सारे का सारा कहां चला जाएगा, सस्पेंस, सारे का सारा कहां चला जाएगा, सस्पेंस।
ठीक है जी, टाइप नाइन। अभी जब पीएस के वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे देखो ना कितनी हेल्प मिलेगी आपको। देखो एन अमाउंट ऑफ रुपीस थ्री थाउजेंड एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक has been posted to debit side of Mr. Sharma who returns the goods. Who return the goods. Who return the goods. ठीक है, लो जी हमें 3000 रुपए का सामान एंटर कर लिया सेल्स रिटर्न बुक में, एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न टू शर्मा, ठीक है ना, शर्मा ही है ना, हाँ सेल्स रिटर्न टू शर्मा, शर्मा जी को क्या आना चाहिए क्रेडिट, पर सेल्स रिटर्न बुक में शर्मा जी को हम क्रेडिट होना चाहिए, हमने गलती से क्या कर दिया उनको डेबिट, गलती से हमने क्या कर दिया उनको डेबिट टू सेल्स रिटर्न, गलती सिर्फ शर्मा के अकाउंट में। अब इसको इस 3000 को कैंसिल करो तो अकाउंट क्या हो जाएगा निल, पर हमें शर्मा को क्रेडिट दिखाना है कितने से 3000, 3000 आउटपुट करने पड़ेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा, ठीक है जी, ठीक है सर जी, दोबारा समझा देते हैं, शर्मा जी ने सामान वापस करा, जनरल एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा, कहते सेल्स बुक में तो चलेगी ठीक, पर ये हमने गलती से शर्मा जी के डेबिट में लिख दिया, शर्मा को क्रेडिट होना था गलती से क्या लिख दिया डेबिट। अब इस 3000 को यहां लिखूंगा तो 3000 तो बैलेंस क्या हो गया जीरो, पर असल में हमें 3000 का शर्मा को क्रेडिट दिखाना है तो 3000 एक और रखने पड़ेंगे, टोटल शर्मा जी कितने से क्रेडिट होंगे 6000, an amount of rupees 1500 entered in the sales return book has been posted to the debit side of Mr. Raj या राज who returned the goods, same चीज आ गई, गलती सारी कहां पर हुई है राज के अकाउंट में, गलती कहां हुई है सारी राज के अकाउंट, ठीक है, राज को क्या होना था क्रेडिट, गलती से क्या हो गया डेबिट, ठीक है डबल डेबिट करेंगे टू, डबल क्रेडिट करेंगे टू राज, डेबिट क्या हो जाएगा डेबिट क्या हो जाएगा,
amount of rupees 2000 entered in purchase return book. ठीक है ना, purchase return book में तो entered हो गया, return book has been posted to credit of Ashima, to whom goods are returned. ठीक है, goods are returned, got it. तो आपने purchase return किए, सामान वापस किए, तो आशिमा रिसीव करेगी, आशिमा डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न बुक में कोई गलती नहीं है, गलती सारी कहाँ है, आशिमा के पार्ट. तो आशिमा को डबल डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, गलती से क्रेडिट होगी ना, वो तो खत्म होकर नहीं पड़ेगा, और एक्चुअल डेबिट भी होना है, क्योंकि जो गलती है वो सारी आशिमा के अकाउंट में, सारी गलती किसमें है, आशिमा के अकाउंट. एक ही वन साइडेड एरर हो गया ना, टू सस्पेंस, टू सस्पेंस. An amount of rupees 500 entered in the purchase return book has been posted to credit of Rajini, to whom goods are returned. लो जी, आपने सामान वापस किया तो रजनी रिसीवर होगी, रजनी डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न में कोई गलती नहीं है, गलती सारी रजनी के अकाउंट. ठीक है, रजनी ने गलती से क्रेडिट होगी, उसको भी डेबिट करो, एक्चुअल डेबिट तो होना ही होना है. रजनी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो टाइप 10. ठीक है जी, अ सेल ऑफ रुपीज 2000 made to Manav ठीक है, correctly entered in sales book wrongly posted to debit of Raj as rupees 200. ध्यान से देखो, आपने मानव को सेल करी 2000 रुपए, ठीक है, मानव डेबिटेड टू सेल्स होना चाहिए. कहता है करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में बिल्कुल एंट्री ठीक हो चुकी है, एक्चुअली में डेबिट करवाना है मानव, गलती से राज डेबिट हो गया 200 से, अब मानव को तो डेबिट करो ही करो, राज गलती से डेबिट हो गया, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो.
जो बीच की चीज है वो कहाँ चली जाएगी, सस्पेंस, क्योंकि और तो कोई तरीका बचता ही नहीं, और तो कोई तरीका बचता ही नहीं। करो जैसे देखो, प्रीति वॉज पेड ₹2800, बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय 2000। पैसे हमने दिए प्रीति को, डेबिट होना चाहिए प्रीति को, गलती से ज्योति डेबिट हो गई, तो प्रीति को तो डेबिट करो ही करो। प्रीति डेबिटेड, ज्योति गलती से डेबिट होगी, उससे क्या करो, क्रेडिट करो। सस्पेंस ठीक है ना, एक हो गया, एक मिनट समझ लो। सोहन वॉज पेड 900, बट मोहन डेबिटेड बाय 9000। एक्चुअली में सोहन को डेबिट होना है, करो, मोहन गलती से डेबिट हो गया, इसे क्या करो, क्रेडिट करो। बीच का क्या हो जाएगा, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट 80। आगे बात में टाइप 10, आज वॉज पेड ₹2100, बट रवि डेबिटेड विद 1200। एक्चुअली हमने पैसे किसको दिए, राज को, राज को डेबिट होना चाहिए, रवि गलती से डेबिट हो गया, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। बाकी कहां चला जाएगा, सस्पेंस, आगे कहां चला जाएगा, सस्पेंस। टाइप 11 लास्ट टाइप है हमारी काउंटिंग में, बट क्या है, कुछ और भी नई चीजें आ सकती हैं, तो जब हम इतनी चीजें कर लेते हैं तो वो भी हैंडल हो जाती है, ठीक है। ₹620 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपने ₹620 डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर, गलती सिर्फ ये होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहुंचेगी, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बनता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो अकाउंट को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो गलती सिर्फ एक ही तरह तक तू सस्पेंड। एक और देख लो, ठीक है, मशीनरी वॉज रिटर्न ऑफ
machinery was written off rupees 1000 has not been posted to depreciation. Watch. Depreciation account to बुक खोल लो चैप्टर 16 देखो कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं फोर्टी कोई बात नहीं हो जाएंगे तीन चार क्लास में निपट जाते हैं अगर ये अगर आपको चैप्टर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा यस ये चीज है क्या कहूँ ठीक है ना तो 49 है पहला क्वेश्चन देखो क्या परचेज बुक वाला है ना ओवर कॉस्ट पहले में फंस गए पढ़ो जी क्या बोलता है पढ़ो पढ़ो इसकी पढ़ो ये सुनो ये सुनो देखो पहला ही क्वेश्चन सस्पेंस वाला क्या कहता है कहता परचेज बुक इज ओवर कास्ट बाय 10,000 परचेज बुक में 10,000 रुपए ज्यादा लिखे हमें कम करना पड़ेगा परचेज को कम करने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट तो एंट्री क्या बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्योंकि परचेज बुक में गलती है अब इतनी बड़ी परचेज को कहां ढूंढेंगे फिलहाल तो क्या करेंगे सस्पेंस यूज कर टू परचेज अकाउंट कितना 10,000 ठीक है जी नेक्स्ट कहता है परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवर कास्ट अब परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है क्रेडिट फालतू लिखी हुई है उसे भी क्या करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस ठीक है जी नेक्स्ट कहता परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस वो भी फालतू लिख दिया यानी कम करना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस सोचना थोड़ा पड़ेगा ये नहीं कि हम कहें फट से आ जाएगा बट काम हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कितने हैं अमाउंट क्या परचेज बुक कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1000 फालतू लिख दिए अब परचेज को कम करना पड़ेगा सस्पेंस टू परचेज अब ये तुम्हें कितना आसान लगा कि हमने पहले ही मेहनत कर रखी है ठीक है ना नहीं तो क्या होता अगर मैं पहले दिन ही यहां से शुरू कर दूं तो तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी एक मिनट मैं दो क्वेश्चन कर दूं फिर उतार दूं टू परचेज कितना है 1000 अब राइट रॉन्ग बनाने का चक्कर छोड़ देना क्योंकि राइट रॉन्ग दिमाग सोच के उसी को वेरीफाई कर क्या कहते हैं सेल बुक इज शॉर्ट कास्ट यानी कम लिखी है यानी सेल्स क्रेडिट करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कितना है 5,000 आगे चलो नेक्स्ट सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट कम है डेबिट करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
कितना है? 5. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ सेल बुक कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट, कम लिखा है दोबारा क्रेडिट पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो नहीं लिखते यहाँ पर, कितना है? नेक्स्ट बोलो, सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट, दोबारा करना पड़ेगा डेबिट कितने से? 100, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना है? 100. अधूरा ज्ञान करे परेशान, ठीक है ना? हरी और कुछ कहता है सेल बुक इज ओवरकास्ट बाय 5000. अब सेल्स बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सेल्स क्या होगी? डेबिट होगी. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना है? 5. नेक्स्ट पढ़ो, सेल रिटर्न का हुआ ना, ये भी देखो ना, सेल रिटर्न बुक लिखा है यार, सेल रिटर्न चला गया फालतू. सेल का नीचे डेबिट होता, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न बुक नहीं लिखना, कितना है? 500. आगे चलो, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड एंड एक्सेस बाय फालतू भेजा हुआ है हमने, सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू
कितना है? है? हाँ शॉर्ट मतलब कम होता है ना, अगले पे लिखा ना शॉर्ट, किस पे लिखा? वो तो सेल रिटर्न है ना, सेल रिटर्न आपने कम लिखी हुई है। हाँ शॉर्ट का मतलब कम होता है, तो ठीक कर लेना अगर गलत लिख दिया होगा। अब थर्ड पे आ गए ना हम लोग, थर्ड हो गए। फोर्थ देखो, बैलेंस ऑफ सेल रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय। सेल रिटर्न फालतू लिख दिया हमने 100 रुपए, तो सेल रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न। कितना? ठीक है जी, आ गए फोर्थ के बाद आ गया फिफ्थ। फोर्थ अब आया, फोर्थ अब आएगा। कहता है सैलरी ऑफ 5000 पेड राहुल नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। वही चक्कर आ गया, आपने गड़बड़ कहां पे करी है? सिर्फ सैलरी में। तो सैलरी को डेबिट कर दो टू सस्पेंस, क्योंकि वन साइड एरर है ना, वन साइडेड एरर है। कितना है? 5000। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। सेल्स टू अमरीश पोस्टेड, अब हमने अमरीश को सेल किया, अमरीश डेबिट होना चाहिए। 1430 की सेल थी जबकि लिखी कितनी? 1340। 90 रुपीज कम लिखे उसके अकाउंट में, दोबारा से डेबिट होगा। ठीक है ना, सभी क्लियर है? अमरीश डेबिटेड 90, लिख देना 1430 माइनस 134 टू सस्पेंस। कितना? 9। ठीक है, नेक्स्ट सेल टू विजय पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2740, यानी फालतू लिख दिया हमने। कितने हैं? 270 पैसे ज्यादा लिख दिया। ठीक है, विजय फालतू डेबिट हो गया। विजय क्या हो गया? फालतू डेबिट हो गया, तो विजय को क्या करेंगे? क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। परचेज फ्रॉम पाल पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 13, यानी पाल को क्रेडिट होना है, हमने 90 रुपीज कम क्रेडिट किया, दोबारा से क्या कर देंगे? क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पाल 9 टू पाल।
टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज नॉट पोस्टेड टू, टोटल तो बताया ही नहीं इसमें कितना है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट, सेल को क्रेडिट होना है ना, सस्पेंस टू सेल कर देते हैं। अमाउंट नहीं लिखा, डैश शो, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ही आता है ऐसा है, बट पढ़ा होगा तो कर पाओगे ना। 1000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम एसेट फिट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश, हमने कर दिया रिपेयर टू कैश, रेक्टिफिकेशन क्या होगा मशीनरी टू रिपेयर्स। कितनी जल्दी हमारे दिमाग में घुसी बात ये। अब निशनिस ने एक एंट्री दे रखी है, मैंने तुम्हें हर बार तीन तीन चार चार एंट्रियां कराई उसकी, जिससे कि आपको दिमाग में दिक्कत, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर कितना। ठीक है जी, तो पढ़ना कैसे है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पढ़ना कैसे है, सिंपली बुक खोल के आप पहले क्वेश्चन से हम शुरू होते हैं तो आप पहले दिन ही सिर पकड़ के अपना दीवार में मार रहे होते, भाई हो क्या रहा है ये समझ आ नहीं रहा, ठीक है ना। गुड्स कॉस्टिंग ₹4000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग्स टू परचेजेस, आपने कर दिया डेटर्स टू परचेजेस, गलती से आपने डेबिट को कर दिया डेटर्स को, ठीक है ना। तो होगा क्या, ड्रॉइंग्स टू डेटर्स या कैपिटल टू डेटर्स, ठीक है ना। कितना है, नेक्स्ट, ₹1000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग एज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर का तो रिपेयर ही होती है, आपको एंट्री करनी चाहिए रिपेयर टू कैश, आपने कर दिया बिल्डिंग टू कैश, तो क्या बनेगी रिपेयर टू बिल्डिंग। कितना, 1000, ठीक है, गॉट इट। द सेल बुक ऑफ दिसंबर एडेड, भाई सेल बुक में कम लिखा है तो सेल को रेड करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल कितना है, ठीक है। द पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज बुक, वही परचेज बुक में कम लिखा है, परचेज डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अगर आपको बेसिक्स ठीक है, आपको हर चीज का नेचर पता है, सेल्स का क्रेडिट नेचर होता है, परचेज का डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, तो कहीं मार नहीं खाओगे। द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1500, वही परचेज रिटर्न बुक में कम लिखा है तो दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। द सेल रिटर्न बुक एडेड 200 शॉर्ट, सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है डेबिट, दोबारा डेबिट करेंगे फिर उसको, क्योंकि हमें बढ़ाना है उसको, अगर कोई चीज कम लिखी है तो उसको बढ़ाना पड़ता है। कितना, कितना है, 500, अच्छा 200 लिख देते हैं, करो देखो, देखते देखते 6 क्वेश्चन हो गए।
रिटर्न इनवर्ड बुक यानी सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट. सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट. कम करना है उसको तो ट्रेड करना पड़ेगा. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न कितना है 200. नेक्स्ट लेस परचेज बुक में कम लिखा है, दोबारा से आपको डेबिट करना पड़ेगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना है 41 on less page 10 and 43 on page 12. यानी कि एक्चुअली में 2 रुपए एक्स्ट्रा चले गए. एक जगह 41 कम लिखे, एक जगह 43 ज्यादा लिखे, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गए. तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो बढ़ता है, डेबिट करेंगे तो क्या होता है कम. कम करना है हमें 2 रुपए. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना है 2 रुपए. ठीक है. नेक्स्ट गुड सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड यानी गौतम के अकाउंट में गड़बड़ हुई है 215, जबकि 215 पोस्ट के जबकि करने कितने 251. अगर हम गौतम को सामान बेचते हैं तो गौतम डेबिट होगा, हमने उसको कम डेबिट किया 36 रुपए से. ठीक है ना, तो 36 रुपए से दोबारा डेबिट कर देंगे. गौतम डेबिटेड टू पोस्टिंग का मतलब लेजर पोस्टिंग में गलती है, और लेजर पोस्टिंग मतलब एक ही वन साइड एरर हो गया. ये रिकॉर्डेड हो तो नॉर्मली जर्नल एंट्री के टाइम ही गलती हो जाती है. ठीक है ना, पोस्टिंग है तो यानी कि एक ही तरफ गलती बन गई. 8th में आ जाओ. क्या कह रहा है, परचेज जर्नल अंडर कास्ट बाय 2150. दोबारा परचेज को डेबिट कर दो. परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस ठीक है जी. आगे चलो. ₹500 रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट. हमें के कृष्णा को क्रेडिट करना है, गलती से क्या कर दिया डेबिट, तो के कृष्णा डबल क्रेडिट होगा. ठीक है ना, 1000 रुपए से. और यहाँ क्या आ जाएगा सस्पेंड. गॉट इट. आगे चलो. ₹3000 withdrawn by proprietor from the firm for his personal use, posted to travelling expense account. Entry होनी चाहिए drawings to cash. हमने कर दिया travelling expense to cash. तो क्या होगा, drawings to travelling expense. कितना है 3000. कितना है 3000. नंबर 4 इधर. एन अमाउंट ऑफ 125 क्रेडिट्स टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157. यानी सारी गलती आर गोपालन के अकाउंट में, तो आर गोपालन को दोबारा डेबिट करेंगे 18 रुपए से. ठीक है ना, आर गोपालन डेबिटेड टू सस्पेंस.
ठीक है जी, परचेज रुपीज 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिशन हो गया ना, तो सिंपली ऐड कर दो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10, ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आपने खरीदा फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, आपने गलती से एंट्री कर दी परचेजेस टू कैश, तो क्या होगा, फर्नीचर टू परचेजेस, समझ में आया, कर चुके हैं ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। कितना अमाउंट है, अगेन 10,000, राइट एंट्री बनती है फर्नीचर टू कैश, गलती से कर दिया परचेजेस टू कैश, कैश कैश में कोई गलती है नहीं, तो जब रेक्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल डेबिट, जो गलती से डेबिट हुआ वो क्रेडिट। अच्छा जी, रेंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी आपने एंट्री करनी रेंट टू कैश, आपने एंट्री कर दी लैंडलॉर्ड टू कैश, तो जो कि लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा था आपने उसे पर्सनल बना दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कितना है रेंट, कितना दिया है, 15,000। अगले में आपने मशीन बेची है और गलती से आपने सेल्स क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे और मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना है, 5,000। ठीक है, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीट एज सेल्स, यानी आपको एंट्री करनी चाहिए सेल्स टू फर्नीचर हो जाएगा, नहीं नहीं आपने मशीन बेची है, ठीक है, मशीन तो क्रेडिट करा ही करा है, सेल्स गलती से क्रेडिट हुई डेबिट कर दिया, फर्नीचर बेचा और सेल्स दिखा दिया, तो सेल्स टू फर्नीचर। कितना, 5,000। नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, आपको करना चाहिए ड्राइंग्स टू कैश, आपने कर दिया रेंट टू कैश, तो क्या हो जाएगी एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना अमाउंट, कितना है, 6,000। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, ठीक है, आपको एंट्री करनी चाहिए कैश टू राजेश, आपने कर दी कैश टू ब्रिजेश, कैश की कोई गलती नहीं है, एंट्री बन जाएगा ब्रिजेश टू राजेश, ये एरर ऑफ कमीशन होता है, गलत नाम गलत अमाउंट, ब्रिजेश अकाउंट डेबिटेड टू राजेश 215।